इस चुन्नी के साथ और इस गुलदस्ते के साथ स्वागत करें और जोरदार तालियां हमारे जो जनता दरबार में आई हुई जो माननीय जनता है आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद हमारे जिला किश्तवाड़ के लोकप्रिय नेता जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन के जो मोहताज नहीं है, पूर्व मंत्री भी जम्मू कश्मीर सरकार में रह चुके हैं, माननीय श्री सुनील शर्मा जी, आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया आप मंच पर आकर अपने विचार जो हैं हमारी जनता के सामने व्यक्त करें। सुनील शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ ही बोलने का टाइम मिलना नहीं चाहिए कि आपको तालियां बजानी है। धन्यवाद। मंच पर आसीन हम सबके चहेते आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबसे नजदीकी और सौभाग्य से हमारे सांसद भी ऐसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मंच पर आसीन, हमारे जिला अध्यक्ष तथा सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, डीसी साहब, एसपी साहब मेरे सामने बैठे, आज इस दरबार में आए सभी जाति धर्मों से तल्लुक रखने वाले किश्तवाड़ के वरिष्ठ लोग और कार्यकर्ता बंधुओं, क्योंकि समय कम है आज विशेष रूप से डॉक्टर साहब हमारे बीच में आए हैं, यहाँ पे हमारी कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनों ने एक यूनिट तैयार किया है, उसकी इनॉग्रेशन करनी थी और प्रमुख लोगों को यहाँ पे दावत देके आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए भी आए हैं। सर्वप्रथम मैं किश्तवाड़ की जनता की तरफ से आदरणीय डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं और हम सब किश्तवाड़ के लोग सौभाग्यशाली हैं, हमें आप जैसे व्यक्ति का नेतृत्व मिला है जिन्होंने हमेशा इस किश्तवाड़ के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र की चिंता की है। मैं इस बात का गवाह हूं, यहां आज जितना भी विकास हो रहा है, जो पिछले 70 सालों में हमने ये विकास नहीं देखा था, इस विकास में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है वो आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का है। मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। मुझे याद है 2014 में जब आप सांसद बने तो आपके सामने किश्तवाड़ की सबसे बड़ी चुनौती थी, यहां पे गांव गांव में सड़कें नहीं थी, दक्षिण के लिए लोग पैदल चलते थे, मड़वा के लिए पैदल चलते थे, कुंतवाड़ा के लिए पैदल चलते थे, सरूड़ के लिए पैदल चलते थे, पाडर के सभी गांव पैदल चलने के लिए रखे थे। तो डॉक्टर साहब ने, मुझे याद है मैं भी तब मिनिस्टर ऑफ स्टेट पीडब्ल्यूडी का था, पहली सूरत में सबसे ज्यादा पैसा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को मिला, जिसमें केवल 100 करोड़ रुपया दक्षिण मड़वा रोड के लिए आवंटित किया था। आज वो रोड दक्षिण पहुंच चुका है। मुझे याद है जब मैंने आपके सामने डिमांड रखी कि हमें यहां पे जोहार नव जिसका भवन, जिसकी बिल्डिंग आज पलमाड़ के कुंडवाड़ी में बन रही है, जब आपके सामने पाडर डिग्री कॉलेज की बात की, फुर्सत नहीं लगी, चाहे डिग्री कॉलेज की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे रोड्स की बात हो, आपने हर चीज हमारे समक्ष रखी। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज के लिए किश्तवाड़ जाना जाता है, यहां के नौजवानों में बहुत एक उमंग थी, बहुत एक तमन्ना थी कि यहां पे पावर प्रोजेक्ट्स खुले, जिन पावर प्रोजेक्ट्स पर यहां की कांग्रेस की सरकारों ने या दूसरी सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने
अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हमारी सरकार बनते ही किश्तवाड़ में सारे पावर प्रोजेक्ट्स खोले जाएंगे। हम सौभाग्यशाली हैं और धन्यवाद भी अदा करते हैं कि आज हमारे पास यहाँ पे चार चार पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें लगभग 8,000 से 10,000 नौजवानों को काम करने का मौका मिल रहा है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि अभी सारे नौजवान बिल्कुल तृप्त हो गए हैं, अभी भी कमी है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जिस प्रकार से और बाकी प्रोजेक्ट्स पे इस वक्त तीव्र गति से काम चल रहा है, वो दिन दूर नहीं जो बाकी इंतजार में नौजवान हमारे बैठे हैं, उनका भी रोजगार, उनका भी घर का चूल्हा जलेगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आदरणीय नितिन गडकरी जी के हस्तक्षेप से आपने डोडा से सिंहपुरा वायलू टनल की घोषणा की थी, मुझे याद है, उसका टेंडर भी हुआ, लेकिन जिस कंपनी को वो टेंडर चढ़ा उसके अपने ही कुछ कमियों के कारण वो टेंडर अदर में लटका है, जो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो भी शुरू होगा और यहाँ पे मुगल मैदान से लेके छात्रों तक नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आपने आदरणीय नितिन गडकरी जी से एक और घोषणा कराई जिसपे लगभग काम शुरू हो चुका है, किश्तवाड़ से लेके झांसकार तक का रोड, जो यहाँ से डूल से क्वाड़ से होते हुए नागसिनी पढ़ियारना गलार से होते हुए अठोली से झांसकार तक जाएगा, ये इस किश्तवाड़ का नक्शा बदलेगा ये रोड, इसके लिए हम आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं। आपने एक और रोड, जिस रोड को अठोली संसारी हिमाचल में लिया जाएगा नेशनल हाईवे के रूप में, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि उस रोड का भी जो पत्राचार है, जो इस वक्त पेपर से है, वो तैयार हो रहे हैं। साथियों, हमारे सामने यहां पे जो रोड अभी बन रहा है, जो फोर लेनिंग वटोत से लेके खन्नाबल तक चल रही है, जिसमें हमारे लगभग यहां पे सारे गांव टच रहे हैं, देहात टच हो रहा है, इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने किश्तवाड़ के लिए बहुत किया है, लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने आप पे अथाह विश्वास किया है, उसी प्रकार से किश्तवाड़ की जनता को भी बहुत विश्वास आप पर है। अभी कुछ और करना बाकी है, हमें उम्मीद है कि ये 5 साल हमारे ये जो काम जो छोटे मोटे रह गए हैं, जो मैं आपके सामने किश्तवाड़ की जनता के तरफ से रखना चाहूंगा, इन पे गौर फरमाएंगे। हमारे यहाँ पे चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट में मैक्सिमम 99% काम किश्तवाड़ में है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक यहाँ के नौजवानों को उसमें रिजर्वेशन का कोटा नहीं मिला है। मैं किश्तवाड़ के नौजवानों की तरफ से आपको प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि लगभग 80% का कोटा चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स में जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए किश्तवाड़ के नौजवानों को मिले, इसके लिए आपको पूरे प्रयास करने। हमारा किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस वक्त काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हमें कार्डियक यूनिट की आती है। जब भी यहाँ पे किसी को हृदय रोग आता है, कार्डियक अटैक वगैरह आता है, तो हमें तुरंत इसको जम्मू शिफ्ट करना पड़ता है। हम आपसे मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि कार्डियक का यूनिट यहाँ पे दिया जाए। एक बहुत बड़ा रोड जो यहाँ सरकूट मंदिर से टीआरसी के बीच में है, आपने बहुत बार हस्तक्षेप भी किया, 2 बार आपने मुझे भी उस मीटिंग में बिठाया, आर्मी के ऑफिसर्स भी थे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी थे, लेकिन अभी तक इसकी कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो टीआरसी सरकूट मंदिर का रोड है, इसको तुरंत खोल दिया जाए। हमारे पास आपकी देन है, एक सेफ्रॉन पार्क मिला था पुलवामा पामपोर के पैटर्न पे, 6,000 करोड़ रुपया जिस प्रकार से वहां के किसानों को दिया गया, यहाँ पे सैंक्शन है। आपने ही पीछे हस्तक्षेप किया क्योंकि इसको शिफ्ट कर रहे थे, ये जो केसर की खेती है, सेफ्रॉन की खेती है, पुछाल से लेके नागनी तुंग तक है, हमारी डिमांड है कि इसी में ये बने, इसीलिए रुका हुआ है ये 5 साल। अगले हम निवेदन करते हैं कि कम से कम इनमें सेफ्रॉन पार्क हमारा यहाँ पे बने। हमारे जो देहात है, यहाँ पे 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन तो मिल रहा है, लेकिन देहातों में राशन की पूर्ति नहीं होती है। हम स्टेज से मांग करना चाहते हैं, ये लोगों की डिमांड है कि 5 किलो जो हमें मुफ्त राशन मिलता है, उसके अतिरिक्त जो पेमेंट पे मिले, राशन की स्केल बढ़ाई जाए हमारे देहातों में, ये भी हम आपसे निवेदन करते हैं। आर्मी का हॉस्पिटल एक ECHS होता है, जिसमें एक सर्विसमैन को वहां पे उपचार के लिए लाया जाता है, वहां पे पूरा ट्रीटमेंट होता है। हालांकि इसके लिए हमने कुछ फॉर्मेलिटीज की हुई है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये सारा मेमोरेंडम पे लिखा हुआ है,
मैं निवेदन करूंगा ईसीएचएस की एक ब्रांच यहां पे खुले। एयर स्ट्रिप आपकी देन है, एयर स्ट्रिप यहां पे बन रही है, लेकिन इसका काम जिस तेजी गति से होना चाहिए था, आपने पीछे लास्ट एक एमओयू भी साइन किया था आर्मी के साथ, जो आर्मी की चुनौतियां थी, चैलेंजेस थी, उसको मीट आउट करने के बाद आपने एक एमओयू साइन किया था, मुझे आज भी याद है। यहां पे जमीन भी एक्वायर की गई है, लेकिन जो टेंडरिंग प्रोसेस है इस एयर स्ट्रिप का, ये तेजी से हो जाए। यहां पे बस स्टैंड हमें बहुत छोटा पड़ता है, बस स्टैंड को एक्सटेंड करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, हम उस बस स्टैंड को वहां से हटाना नहीं चाहते, वो बस स्टैंड रहे, लेकिन चूंकि हमारे सिटी की एक्सपेंशन हो रही है, एक नया बस स्टैंड नीचे मंडल में कायम किया जाए, ये भी हमने इस डिमांड, इस मेमोरेंडम में डिमांड की है। जल जीवन मिशन के तहत यहां पे बहुत ज्यादा गांव में, एक एक गांव का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेमोरेंडम पे हमने जिक्र किया है, बहुत ज्यादा गांव में अभी इन्होंने सोर्स को टेप नहीं किया है, पाइपें पड़ी हुई है। हालांकि काफी हद तक हमने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा है, लेकिन हम आपसे हस्तक्षेप चाहते हैं कि किश्तवाड़ में इन पर्टिकुलर पूरे इस जिले में जल जीवन मिशन के तहत जो यहां पे काम हो खो रहा है उसको स्पीड से किया जाए। हमारे शहर में, शहर जो हमारा टाउन है, यहां पे टाउन की तरफ से टाउन में काफी खोद दिया गया है, यहाँ की लेन्स ड्रेन्स यहाँ पे ध्यान कम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप ऊपर लेवल पे, एलजी लेवल पे या दिल्ली के लेवल पे ही, हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री की तरफ से किश्तवाड़ के लिए जो लेन ड्रेन का इस वक्त खोद के रखी हुई है सड़कें, पिछले 2 साल से हमने इस मेमोरेंडम में निवेदन किया किश्तवाड़ की जनता की तरफ से, इस टाउन को ध्यान में रख के यहाँ की सौंदर्यीकरण और लेन ड्रेन का काम पूरा हो। हमारे यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है जिसका नाम देवारू डुग्गा रोड है, सीआरएफ में हुआ था। इस देवारू डुग्गा रोड में पीछे काम ठप हुआ था, अभी दोबारा से इसको शुरू किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ के जो किसान है, ये यहाँ के जो गांव के लोग हैं, इनकी जो कंपनसेशन है बहुत कम है। इस मेमोरेंडम में हमने डिमांड की है कि देवारू डुग्गा रोड के लिए तुरंत कंपनसेशन आए ताकि यहाँ पे लोगों को मिले। हमारे यहाँ पे पुछाल में एक पीएचसी है, इसकी अपग्रेडेशन के लिए डिमांड करते हैं। पूछाल भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये पूरा क्षेत्र उस पर निर्भर रहता है। पीएचसी वहां पे खुली है, लेकिन इसकी हम अपग्रेडेशन की डिमांड यहां पे करते हैं। हम यहां किश्तवाड़ में बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट हुई है, स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट हुई है और धार्मिक सत्रों की, विशेषकर मंदिर की भूमि को भी यहां पे इंक्रोच किया गया है। इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी जाए कि जो स्टेट लैंड है उसको तुरंत वहां से उन स्ट्रक्चर्स को हटा के डिसमेंटल करके वो जमीन वापस दी जाए। हमारी यहाँ पे पास में ठाकराई है, ठाकराई की एक बहुत पुरानी डिमांड है, डॉक्टर साहब की नॉलेज में हमने पहले भी दिया है, लेकिन चूंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ आपके ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूं ताकि इस मेमोरेंडम के जरिए आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को वहां बताएं। यहां तहसील जो कमीशन बना हुआ था, ये कमीशन ने अप्रूव भी किया है, लेकिन डेलिबरेटली किसी राजनीतिक कारणों का शिकार ठाकराई को बनाया गया। मैं निवेदन करता हूं इस मंच से ठाकराई के लोगों की तरफ से, यहां पे ये न्याबत को अपग्रेड करके यहां का तहसील का दर्जा मिले। कोर्ट की वजह से हमारे शहर में कंजेशन है, यहां पे फंड्स भी आवंटित की गई है, लेकिन कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए हम डिमांड करते हैं कि तुरंत यहां पे लैंड आइडेंटिफाई हो और यहां के लोगों को कोर्ट बढ़िया मिले ताकि शहर की कंजेशन भी कम हो। हमने बहुत बार डिमांड की है, आपने हमारी डिमांड्स को पूरा किया है, लेकिन इन अगले 5 साल की डिमांड में प्रमुख मांग हमारी वुमेन डिग्री कॉलेज के लिए है। हमारी बच्चियां यहां पे पढ़ रही हैं, उन बच्चियों के लिए हम सेपरेट वुमेन डिग्री कॉलेज की डिमांड करते हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप इन हमारी डिमांड्स को गौर फरमाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे यहां पे टूरिज्म की बहुत बड़ी स्कोप है। मैं कहता हूं इस बार सिंथन में लगभग 1 लाख से लेकर 3 लाख तक टूरिस्ट आए, ये पहली बार हुआ। हालांकि डीसी साहब ने काफी एफर्ट्स किए, लेकिन जब तक आदरणीय डॉक्टर साहब की इंटरवेंशन हो, यहाँ का टूरिज्म नहीं बढ़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ से पूरा टूरिस्ट सर्किट हमारा भंडारकूट से लेके पलमाड़ हो, दक्षिण हो, मड़वा हो, वाड़वन हो, इस सुंदर वैली को टूरिज्म के मैप पे लाया जाए। जिस प्रकार से आपने एयर स्ट्रिप की यहाँ पे बात की है, जब यहाँ पे लग्जरी कम्फर्ट मिलेगा लोगों को, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, तो लोग टूरिस्ट यहां पे आएंगे। मैं निवेदन करूंगा यहां इस पूरे एरिया को टूरिस्ट मैप में लाया जाए। यहां पे हमारे पास सपलोटन है, हमारे पास फार्मर धार है, हमारे पास कुंतवाड़ा की धार है, पेपारन है,
तो इन सब चीजों के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब अगले इन 5 सालों में हमारी इन मांगों को जरूर पूरा करेंगे। हमारे पास यहां पे कुछ नौजवानों ने मुझसे मिलकर डॉक्टर साहब के ध्यान में लाने के लिए कुछ मेमोरेंडम्स दिए हैं। एक हमारा क्योंकि डेली वेजर्स का है, जो है विशेषकर पीएचई वाले, ये केवल किश्तवाड़ के नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के हैं। इस पे सरकार सोच रही है, कोई अजाला करेगी। मैं चूंकि किश्तवाड़ के लोग आए हैं हमारे पास, इन्होंने कहा है, तो इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि डेली वेजर्स का कुछ न कुछ हमें सोचना पड़ेगा। हमारे पास में ठाकराई में एक वरुण देवता का बहुत बड़ा स्थान है। पूरे किश्तवाड़ के लोग वरुण देवता को प्रति बहुत आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वहां पे यात्रा लेके जाते हैं। इसकी सराय कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमारे पास डिमांड आई है, मैं आपके समक्ष ये जरूर रखूंगा। एक हमारा डेलीगेशन जो हमारे बीच में आया है, वो पॉलिटेक्निक में हमारे कुछ कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स है, कंट्रेक्चुअल स्टाफ है, जो पिछले काफी सालों से, लगभग 5-7 सालों से ज्यादा हो गया, यहाँ के लोगों को उन्होंने पढ़ाया है। इनके लिए भी मैं निवेदन करूंगा कि जो ये प्रोबेशन पीरियड, इनका अब काउंट करके रेगुलराइजेशन की तरफ इनका भी ध्यान दिया जाए। एक और डेलीगेशन जो रेवरेखेल की तरफ से है, रेवरेखेल जो डॉक्टर साहब के ध्यान में है, रेवरेखेल वालों का भी प्रोबेशन पीरियड 7 से 5 की डिमांड है, ये इनके ध्यान में है। आने वाले दिनों में जरूर इस पे कोई न कोई ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मस्सू के कुछ लोगों ने डिमांड की है एक कूल की, इरिगेशन कूल की वहां पे आवश्यकता है, ये भी कागज डॉक्टर साहब को सौंपा जाएगा, ये आप यकीन रखिए। हमारे कुछ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड्स हैं, वो भी काफी संख्या में आज हमारे पास आए थे, और उन्होंने भी एक अपना एक मेमोरेंडम दिया है, एक जजमेंट इनके जो फेवर में है हाई कोर्ट की तरफ से, इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, डॉक्टर साहब के संज्ञान में ये लाया जाएगा और जरूर इस पे कोई न कोई काम होगा। अंत में, चूंकि ये मैंने रखना था, लेकिन इसका कागज भी हमारे बीच में आया हमारे मंडल अध्यक्ष दक्षिण दीवान चंद की तरफ से, जो काफी समय से वहां पे देरी ना डिमांड है, कॉलेज की डिमांड है, केंद्रीय विद्यालय की डिमांड है, और एक आईटीआई की डिमांड है। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे पास तुरंत दक्षिण में एक केंद्रीय विद्यालय की आवश्यकता है, काफी दूरदराज क्षेत्र है, और एक कॉलेज जो बहुत ही आवश्यक है। मुझे यकीन है कि डॉक्टर साहब हमें इन चीजों पर ध्यान रखेंगे, और जो इन 5 सालों के लिए हमने एक नक्शा, एक पिक्चर किश्तवाड़ की तैयार की है, इसको पूरा करेंगे। अंत में एसएफसी के कुछ एम्प्लॉयज भी मेरे पास आए थे, एसएफसी वाले, एक डॉक्टर साहब एसएफसी वालों की तरफ से हमारे पास एक डिमांड है, इनका भी लगभग सेक्रेटरेट में काम पूरा हुआ है, लेकिन आपकी इंटरवेंशन की आवश्यकता है। एनवाईसी एम्प्लॉयज ने भी हमें मेमोरेंडम दिया है, इन सारे मेमोरेंडम्स को यथा उचित एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म्स पे विद मतलब स्ट्रांग डायरेक्शन पहुंचाया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मंडल अध्यक्ष हमारे सर्कल त्रिगाम के आशीष राठौर जी ने भी एक मेमोरेंडम दिया है, ये पढ़ने में मुझे समय लगेगा, चाहे यात्री सराय है चाहे और भी कुछ है। नागसिनी के लोगों ने भी एक मेमोरेंडम दिया है, पहला केंद्रीय विद्यालय है, आप शुक्रिया करिए डॉक्टर साहब का, केंद्रीय विद्यालय सेंक्शन हो गया है, ये सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे थे, अभी हमारा कोड ऑफ कंडक्ट था, बहुत जल्दी आपको केंद्रीय विद्यालय वहां पे दिखेगा। गलार चिंगनाना रोड या अमरदाना रोड की बात है, ये गलार चिंगनाना आपके नबार्ड में आ चुका है, नबार्ड इस बार डीसी साहब के पास भी सीलिंग के लिए मांगा गया है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये भी होगा। अब ये एक्स्ट्रा जो अभी मेमोरेंडम जमा होंगे, फिर डॉक्टर साहब को हम सुन नहीं पाएंगे,
जितने भी मेमोरेंडम्स आए हैं एक एक करके मैं डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करके जो जेन्युइन डिमांड्स थी, प्रोमिनेंट डिमांड्स थी, वो इनके समक्ष मैंने रखी। आप एक एक मेमोरेंडम पर बात करके मैं जरूर यथाउचित इन पे कार्रवाई करवाऊंगा। मैं आपके और इनके बीच में ज्यादा नहीं रहना चाहूंगा। मैं पुनः एक बार किश्तवाड़ की जनता की तरफ से आपका स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। आप आए, आपने कहा है हमें, आपने हमें कहा है कि मुझे दो दिन का प्रोग्राम दीजिए आने वाले दिनों में। तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे विधानसभा आधारित हम डॉक्टर साहब का कार्यक्रम बना रहे हैं और जो काम उन विधानसभाओं में हमने करने हैं उनको भी सेग्रीगेट करके डॉक्टर साहब के ध्यान में लाएंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जो भी किश्तवाड़ के लोगों की मांग है, जो उचित मांग है, जो इनके दायरे अधिकार में है, वो जरूर पूरी की जाएगी। मैं इतना ही कह के अपनी बात को विराम देता हूं, खत्म करता हूं। जय हिंद।